हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आया हूँ कि आपकी जो कॉलेज की स्टार्टिंग डेट है वो 100% फिक्स हो गई है और वो डिक्लेयर भी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ कि नाउ इट इज 99% कंफर्म कि आपकी जो लेट एग्जाम हुई थी, मास प्रमोशन हुआ था और पेंडेमिक के चलते सब कुछ डिले हो गया था, बट आपका ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो गया कि कॉलेज स्टार्ट 28 सितंबर। अब ये तो सबको पता ही थी कि 28 को बोला था, बट ये अब कल के न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा था और इसका मैं यहाँ पे फोटो भी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो 28 से आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी हो जाएगी स्टार्ट। अब आप इंजीनियर बनने के लिए 100% रेडी हो गए हो। आपका एडमिशन भी अब कल यानी कि 22 को आ जाएगा, तो आपका जर्नी 28 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि सबको 28 को अपना जो कॉलेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये है गुजरात समाचार न्यूज़पेपर का कल का जो आर्टिकल है, इसमें क्या लिखा है कि 28 सितंबर से न्यू सेमेस्टर है वो बिगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि ये तो ACPC के भी टाइम टेबल में 28 लिखा आया था, बट एज यू ऑल नो कि ACPC का तो किस तरह से कि टाइम टेबल आता है, बदलता है, डिले हो जाता है, बट यहाँ पे क्या है कि ये जो सोर्स है ये प्रेस को मतलब सोर्स मिला है और प्रेस ने ये आर्टिकल दिया है, सो इसमें 100% आपके कंफर्मेशन होता है और 100% ये सही होने वाला है। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा है यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ कि GTU की सभी कॉलेज 28 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या है कि JEE के जितने भी स्टूडेंट्स है उसका स्टार्ट होगा 6 अक्टूबर, और उसमें क्या है कि उसका एडमिशन वहां पे स्टार्ट होने वाला है और उसका 28 से भी नहीं होने वाला है। इट मीन्स दैट JEE स्टूडेंट्स का एडमिशन है वो थोड़ा सा डिले और थोड़ा सा उसकी जो इंजीनियरिंग की जर्नी है उसमें थोड़ा सा डिले यानी कि लेट स्टार्ट हो सकता है, बट जितने भी GTU के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ACPC वाले स्टूडेंट्स हैं, उसको 28 से स्टार्ट हो जाएगा अपना जो कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करके दूंगा कि JEE का जो है उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, सो इसके हिसाब से थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अब किसी स्टूडेंट्स का एजुकेशन खराब ना हो इसलिए ACPC ने डिक्लेयर किया है कि 28 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे 30 सितंबर को यहाँ पे JEE का मेरिट डिक्लेयर होने वाला है ऐसा यहाँ पे लिखा है, सो उसके हिसाब से क्या होगा कि 10th को फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल सकता है ऐसा लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और GTU ने अपना एकेडमिक कैलेंडर भी डिक्लेयर किया है जिसमें उन लोगों ने 28 से नया एजुकेशन जो है वो इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फिर डी फार्म है, बी फार्म है, MBA, MCA, होटल मैनेजमेंट, ये सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए 28 से अपना नया जो क्या बोलते हैं सेमेस्टर है वो जरूर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी इंजीनियरिंग जर्नी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं किया कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये इसने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, बट जहाँ तक मेरा मानना है आपका अभी तो ऑफलाइन ही सॉरी ऑनलाइन ही चलने वाला है। आफ्टर दिवाली आपका ऑनलाइन यानी कि कॉलेज में आपका जाने के और वहाँ पे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने के आफ्टर दिवाली चांसेस है। दिवाली के पहले मुझे नहीं लगता कि आपको कॉलेज में से जाना होगा और वहाँ पे पढ़ाई करनी होगी। इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं उसकी राय जरूर से कमेंट में डालना, तो काफी दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चले कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। ठीक है, सो आज के वीडियो केवल इतना ही। अगर आपको मेरे लिए कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो, एंड एज ऑलवेज लाइक माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और पर्सनली आस्क मी। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड इफ यू न्यू टू द माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।